सुस्वागतम। चलिए आज हम कक्षा 4 में मिलते हैं और मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका वैशाली। आज हम आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। कौन सी सुनी है? अकबर की सुनी होगी, अकबर बिरबल की सुनी होगी, राजा रानी की सुनी होगी, परियों की सुनी होगी। हर कहानी में से सबक मिलता है आपको। सबक यानी कि आप सीख कि इस तरह से हमने उस इंसान का क्या करना चाहिए, वो जैसा कर रहा है वैसे हमें भी करना चाहिए। इस हर कहानी से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। जैसे आप कक्षा में हो तो कुछ सीखते हो, अगली कक्षा में अलग होता है। इसी तरह की आज हमारी एक कहानी है जो शिक्षक और छात्र में है, जिसका नाम है, पार्ट 2 है, नसरुद्दीन का सबक। पार्ट 2 है और पहले तो मैं आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये इतना सुंदर चित्र है, देखो। मुल्ला नसरुद्दीन के शागिर्द उनकी सीख से बहुत प्रभावित थे। वे उसकी बातें सुनते और उन पर अमल भी करते। तो ये मुल्ला यानी क्या होता है, जो आपको ये पता है, मस्जिद पता है, उसमें मस्जिद में जो मौलवी होता है उसे क्या कहते हैं? मुल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? मुल्ला। ये जो मौलवी होते हैं उनके क्या थे? शागिर्द यानी क्या? छात्र। जैसे मैं, आप क्या हो? मेरे छात्र हो। उसी तरह से मौलवी के क्या थे? वहां पर छात्र थे। क्या थे? छात्र थे। और वो उनकी सीख से यानी उनसे कुछ भी सीखते थे उससे बहुत प्रभावित थे। प्रभावित यानी बहुत। एक इंसान ऐसा होता है, मैं भी वैसी हूँ ना आपके लिए, कि मैं सिखाती हूँ तो आप भी सीखते हो। उसी तरह ये मौलवी उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। कहाँ पर सिखाते थे? उनके उनके स्कूल में या आपके जैसे वो सीखते थे। वे उनकी बातें सुनते और उन पर अमल भी करते। केवल सुनते थे क्या वो? नहीं, केवल सुनते थे नहीं, उस पर अमल भी करते थे। जैसे मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पर मस्ती कर लो, तो आप करते हो क्या फिर से? यानी उस पर आप क्या करते हो? अमल करते हो। क्या करते हो? अमल करते हो। इसी तरह ये छात्र भी उन मौलवी पर क्या करते थे? क्या करते थे? अमल करते थे। अब आगे देखते हैं। एक दिन गुरु शिष्यों में गंभीर विचार विमर्श हुआ। सबने अपना पक्ष रखा। अंततः यह तय हुआ कि व्यक्ति को सोच समझकर वही करना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक। इसके कुछ दिनों बाद उन लोगों को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। मुल्ला अपने दरे पर थे और उनके शागिर्द पैदल। मुल्ला गधे पर उल्टे बैठे थे। अब देखो, इस कहानी का ही हमारा नाम ही क्या है? सबक। तो हमें इससे सीखना है कुछ सबक। अब क्या हो रहा है देखो, एक दिन जैसे गुरु शिष्य, देखो ये कैसे बैठे हैं इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ये कौन है? मौलवी है। उनके कौन है? ये कौन है? मौलवी है। और ये उनके छात्र है। ये उर्दू शब्द है। किसका शब्द है? शागिर्द यानी उर्दू शब्द है। शागिर्द क्या है? उर्दू शब्द है, जिसे हिंदी में छात्र कहा जाता है। तो विचार विमर्श कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विचार विमर्श। जैसे हम बातें करते हैं ना कि टीचर ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसे वो भी क्या कर रहे थे? विचार विमर्श कर रहे थे। और सबने अपना पक्ष रखा था। अंत यह तय हुआ कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सोच समझ कर। क्या करना चाहिए? सोच समझ कर। जैसे तीसरी कक्षा में हमने पढ़ी थी ना कहानी आसमान की, जिसने सोच समझ कर कुछ नहीं किया और क्या किया था? आसमान गिर गया। उसी तरह का क्या कहा इन्होंने? मौलवी ने क्या कहा कि हर सोच समझ कर हमें क्या करना चाहिए? उसके पर अमल करना चाहिए। इसके कुछ दिनों बाद उन लोगों ने किसी शहर में जाने का तय किया। क्या किया था? किसी शहर में जाने का तय किया था। मुल्ला अपने गधे पर बैठे थे। हम गधे पर किस तरह बैठते हैं? किस तरह बैठते हैं? हमारा मुँह कहाँ होता है? सामने। पर यहाँ पर क्या थे? गधे पर थे। और उनके शागिर्द कैसे चल रहे थे? पैदल चल रहे थे। मुल्ला कैसे बैठे थे? उल्टे बैठे थे। अब तो हो गया उल्टा बैठे थे। अब क्यों बैठे थे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रश्न विचार, सोच विचार। अब आपको मैं एक प्रश्न के साथ यहाँ पर ही अलविदा कहूंगी, पर पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्न पढ़ेंगे। मुल्ला गधे पर उल्टे क्यों बैठे थे? इस प्रश्न पर
विचार कीजिए और अपने विचार कक्षा में बताइए। हम कक्षा में तो नहीं बता सकते, पर आप आपके घर में विचार कीजिए। इसी प्रश्न के साथ हम क्या करेंगे, दूसरे भाग में इस प्रश्न को ढूंढने की या खोजने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।